कैसे हैं आप लोग? जब मैं छोटा था और मैंने पहली बार कैरी मिनाती की वीडियो देखी, आपको बचपन से देखता रहा हूँ, मुझे लगा इससे कूलेस्ट चीज हो ही नहीं सकती। मैं 12th में था और मैंने सुन रखा था कि हनी सिंह को जेल हो गई थी वॉल्यूम 1 बनाने के लिए। यहाँ ये बंदा खुल के गाली दे रहा था जैसे इसको किसी का डर ही नहीं। यार मैंने सोचा मैं डरू क्यों, मतलब मैं सही में डरू क्यों, मैं भाई कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। गंदे रैपरों का मजाक उड़ाता, हर बंदी के हैं बंदे, हर बंदी के हैं बंदे। अगर तुम किसी लड़की को प्रपोज करते हो और वो कहती है ना कि भाई नहीं मेरा एक बंदा है, तो भाई ये है, ये है, समझ जाना भाई ये बंदा भाई। कल्चर का मजाक उड़ाता, इसे डूब के मर जा, इस भाई ये यूं नहीं पता इस टाइम कौन है गुजर, हमारा तो गुजरा तो वैसी फेम होगा। अरे बताया नहीं तुम लोग ने यार 2006 चल रहा है यार, जात पे चढ़ सकते हैं हम लोग यार। अपने स्कूल टीचर्स का मजाक उड़ाता, मैं बात करने वाला हूँ पीटी टीचर्स की। इवन राम रहीम के पकड़े जाने से पहले इसने ही उसे एक्सपोज किया था। कैरी एक तरह से रेबल था, कैरी ना होता तो आज के इंडियन रोस्टर्स भी ना होते। अभी गुज्जर और हीरो आलोम वाली वीडियो अभी तक क्लासिक्स हैं, पर फिर हर बचपन के हीरो की तरह तुम ग्रो आउट कर जाते हो अपने इनिशियल आइडल से। जो बड़े लोगों को क्रिटिसाइज करता था वो खुद बड़ा हो गया, और जहाँ वो और बड़े लोगों और सिस्टम के बारे में बोल सकता था, वहाँ उसने आसान रास्ता चुनकर छोटे क्रिएटर्स या उन टॉपिक्स पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जिनका सब उड़ाते हैं। जब तुम्हारा काम दूसरे लोगों के हिसाब से होने लगे, वो लोग जिन्हें खुद नहीं पता कि क्या करना है, तब तुम इज्जत खो देते हो भाई। पर ये कहानी इंडियन यूट्यूब के ग्रेटेस्ट रोस्टर की नहीं, हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट रोस्टर की है। मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ उसकी ज़िंदगी का मकसद ही सिस्टम और लोगों के दोगलेपन की धज्जियाँ उड़ाना था। वो बिना कपड़ों के घुमा करता, जिस चीज़ को क्रिटिसाइज करना होता उस पर हक देता, डिस्ट्रैक्ट बना कर नहीं, लिटरली हक देता। जैसे उसको थिएटर नहीं पसंद थे तो वो शो से पहले वहाँ कराता था। रेस 4 के रिलीज होने पर तो मैं यही करके आने वाला हूँ। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे, चैनल का नाम है आर यू इन द स्टोरी, और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। मैं हूँ महान सिकंदर, राजा बोला, और मैं हूँ डायोजिनीज द डॉग। ये लोग मुझे कुत्ता बुलाते हैं क्योंकि मैं उन्हें नीची नजरों से देखता हूँ जो मुझे कुछ देते हैं, उन पर भौंकता हूँ जो कुछ भी देने से मना करते हैं, और उनमें दांत गड़ा देता हूँ जो बेवकूफ़ हैं। डायोजनीस इतना सैवेज था कि उसकी बायोग्राफी का नाम थग लाइफ होना चाहिए। डायोजनीस को परवाह नहीं थी कि 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि उसको पता था वो कहेंगे। तो आखिर कौन है डायोजनीस और ऐसा क्या किया है उसने कि उसे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट रोस्टर कहा जाना चाहिए? डायोजनीस एक ग्रीक फिलोसोफर था और ग्रीक फिलोसफी सिनिसिज्म के फाउंडर्स में से एक था, बाद में जिससे सबसे पॉपुलर ग्रीक फिलॉसफी स्टोइसिज्म भी निकली है। डायोजनीस सैवेज होने के साथ काफ़ी लॉजिकल बंदा भी था। उसे अपने टाइम के एक और पॉपुलर फिलॉसफर प्लाटो के फिलॉसफी पढ़ाने का अंदाज पसंद नहीं था। उसे लगता है काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, हकीकत से इसका वास्ता कम है। वो प्लाटो के स्टूडेंट्स को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्लास के वक्त फल खाने को कहता, अक्सर कुछ ना कुछ करके क्लास डिस्टर्ब कर देता। एक बार प्लाटो से इंसान डिफाइन करने को कहा गया तो प्लाटो ने डेफिनेशन दी, बिना पंखों वाला बाइपीडल। कोई सेंस है इस बात की? अब ये 2000 साल पहले की बात है, उस वक्त उन लोगों ने कंगारू नहीं देखे थे। बाकियों को ये डेफिनेशन काफ़ी पसंद आई। प्लाटो के एक लेक्चर के दौरान डायोजनीस एक मुर्गे के पंख निकाल कर ले आया और बोला, ये रहा प्लाटो का इंसान। उफ, उफ, उफ। इसके बाद प्लाटो ने डेफिनेशन में जोड़ दिया विद ब्रॉड नेल्स। प्लाटो वहाँ के राजा डायोनीसियस के कोर्ट में काम करता था। एक बार प्लाटो को डायोजनीस सब्जी धोता हुआ मिला। प्लाटो बोला, अगर तुझे डायोनीसियस के कोर्ट को पे करना आता तो ये सब्जी ना धोनी पड़ती। डायोजनीस बोला, अगर तेरे को सब्जी धोनी आती तो तुझे किसी को कुछ पे ना करना पड़ता। आए हाय 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 आए हाय। जो बात इन दोनों के बीफ में सबसे खास है वो ये कि प्लाटो फिलोसोफर बनने से पहले रेसलर था। उसके रेसलिंग कोच ने उसका नाम प्लाटोन रखा था, जिसका मतलब होता है चौड़ा, जिससे बाद में उसका नाम प्लाटो पड़ा। पर अपना डायोजनीस किसी के बाप से नहीं डरता था। एक थ्योरी ऑफ फॉर्म थी प्लाटो की, जिसमें वो कहता है हर चीज़ की एक परफेक्ट फॉर्म होती है। इस टेबल पे रखे कप की भी एक परफेक्ट कपनेस है, जिससे सारे कप को उनकी फॉर्म मिलती है। डायोजनीस ने उसके लेक्चर के बीच में टोका, बोला मुझे कप तो दिख रहा है, उसकी कपनेस तो नहीं दिखती। तेरे पास कप देखने के लिए आंखें तो हैं। पर प्लाटो डायोजनीस के सर पर टैप करके बोला, उसकी कपनेस देखने के लिए वो समझ नहीं है। डायोजनीज बोला, अच्छा और कप के अंदर के खालीपन का क्या, उसकी भी कहीं परफेक्ट फॉर्म है। प्लाटो सोच ही रहा था कि डायोजनीज प्लाटो के सर पर टैप करके बोला, यहाँ मिल जाएगी तेरे को उस एम्प्टीनेस की परफेक्ट फॉर्म। आपकी सोच तब तक रिफाइन नहीं हो सकती जब तक उसे कोई चैलेंज ना करे। आज के ज़माने की दिक्कत यही है कि हम अपने बबल में रहना पसंद करते हैं, उन लोगों से नफरत करने लगते हैं जिनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता। कितना ही परेशान करता हो डायोजनीस प्लाटो को, प्लाटो भी डायोजनीस के अजीब जीनियस को समझता था और उसने डायोजनीस को पगला सोक्रेटिस भी कहा है। सिर्फ फिजिकल पावर वाले ही नहीं, डायोजनीस पॉलिटिकल पावर वाले बंदों को भी नहीं छोड़ता था। फिलिप द सेकेंड, सिकंदर का बाप, कि जब क्रोनित पर हमला करने की खबर मिली जिस शहर में उस वक्त डायोजनीस रहता था, तो शहर के सारे लोग घबरा के इधर उधर भागने लगे, शोर मचाने लगे, कोई शहर की दीवारों को पक्का करने लगा, कुछ पत्थर इकट्ठे करने लगे। डायोजनीस को किसी ने कोई काम नहीं दिया ऑफ कोर्स, तो उसने अपना टब लिया और तेजी से आगे पीछे लुढ़काने लगा। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो बोला, तुम लोगों की तरह प्रोडक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलिप द सेकेंड के बेटे सिकंदर के साथ डायोजनीस का सबसे मशहूर किस्सा है। सिकंदर डायोजनीस को काफी पसंद करता था। एक बार शहर में घूमते हुए उसे डायोजनीस धूप में लेटा हुआ मिला। उसने डायोजनीस से पूछा, हे डायोजनीस, ये महान सिकंदर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता है? डायोजनीस बोला, हाँ, मेरी धूप के सामने से हट जा। सिकंदर ने डायोजनीस को कुछ नहीं कहा और ऐसा नहीं था कि सिकंदर बहुत नेकदिल इंसान था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड क्लीटियस की भरी सभा में गर्दन उड़ा दी थी, जिसने उसकी एक बार जान भी बचाई थी। पर कुछ तो रहा होगा डायोजनीस में कि इतनी बेइज्जती के बाद भी सिकंदर बोला, अगर मैं सिकंदर ना होता तो मैं डायोजनीस बनना चाहता। इस पर डायोजनीस बोला, मैं भी अगर डायोजनीस ना होता तो डायोजनीस ही बनना चाहता। एक बार सिकंदर को वो हड्डी कंकालों में कुछ ढूंढता हुआ मिला। उसने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? तो बोला, तेरे बाप और उसके गुलामों की हड्डियों में फर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही होगा जहाँ बड़े आदमी की पूजा करते हैं और हमसे कमजोर पर हंसते और उसे दबाते हैं। नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिसके पास पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, न्यूक्लियर बॉम्ब सब है, उसे ही तो बस जरूरत है किसी और की जो उसे जोक्स या क्रिटिसिज्म से बचा सके। एक बार मंदिर के कुछ लोग एक आदमी को जिसने वहां से एक कटोरा चुराया था लेके जा रहे थे। डायोजनीस बोला, बड़े चोर छोटे चोर को लेकर जा रहे हैं। कहते हैं सिकंदर और डायोजनीस मरे भी एक ही दिन थे। तुमको क्या लगता है, बस तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, भगवान को जोक्स नहीं पसंद? अच्छी बातें बताओ और देखो लोग झुंडों में निकल जाएंगे, नाचो, सीटी बजाओ और तुमको पूरी जनता मिल जाएगी। थिएटर, नाच गाना से डायोजनीस को सख्त नफरत थी। अपना विरोध दिखाने के लिए वो क्या करता था मैंने शुरू में बताया था। अगर मैं टिकटॉक पर रिएक्शन या रोस्ट वीडियो बनाने लगूं तो देखते ही देखते लाखों सब्सक्राइबर और करोड़ों व्यूज़ आ जाएंगे। वहीं मेडिटेशन जैसी काम की वीडियोस पर 100-200 व्यूज़ आए और उनमें से भी 10-12 ही होंगे जिन्होंने पूरी वीडियो देखी है। एक दिन डायोजनीस बाजार में भीख मांग रहा था। एक आदमी उससे कहता, मैं तुम्हें भीख दे दूंगा अगर तुम मुझे कन्विंस कर सको वो देने के लिए। डायोजनीस बोला, अगर मैं तुझे कन्विंस ही कर सकता तो खुद को फांसी पर लटका लेने के लिए कन्विंस करता ब्रो। अक्सर दिन के वक्त डायोजनीस बाजार में लैंप लेके निकल जाता। कोई पूछता तो कहता, मैं एक ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा हूँ। एक बार कुछ अमीरों ने उसे कुत्ता कहकर चिढ़ाया और उस पर हड्डी फेंक दी। इसके जवाब में डायोजनीस ने भी अपनी टांग उठाई और उन पर पानी की बौछार दे मारी। उसे लोग चिढ़ाने के लिए कुत्ता बुलाते हैं, पर उसने इसे गर्व से ले लिया था। उसके हिसाब से हम कुत्तों से जीने का सही अंदाज सीख सकते हैं। कुत्ता प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, हर नेचुरल काम चाहे खाना, हगना या सेक्स हो, खुले में करता है। जो पसंद होता है उसे चाटता है, जिसे पसंद नहीं करता उसे काटता है। इंसानों की तरह कोई दिखावा नहीं करता। कौओं के साथ रहना बेहतर है चापलूसों से कम पहला तुम्हारे मरने के बाद खाएगा, दूसरे तो जीते जी निगल लेंगे। मेन्स नाम का एक गुलाम था डायोजनीस का। दोनों के एथेंस शहर में आने पर मेन्स भाग गया। लोगों ने जब डायोजनीस से उसे वापस लाने को कहा तो बोला, अगर मेन्स बिना डायोजनीस के रह सकता है तो डायोजनीस भी बिना मेन्स के रह सकता है। आए हाय 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 आए हाय। जिसका खुद गुलाम हुआ करता था उस डायोजनीस को पायरेट्स ने किडनैप कर लिया और स्लेव मार्केट में बेच दिया। पर मजाल के बंदे का थग लेवल कम हो जाता। पायरेट्स ने उससे पूछा कि तू किस काम में माहिर है? राज चलाने में। डायोजनीज बोला, मुझे उस आदमी को बेच दो जिसे मालिक की जरूरत हो। कहते हैं डायोजनीज ने खुद ही बोला कि उसे ज़ेनियाडीज़ को बेच दिया जाए, उसे एक मालिक की ज़रूरत लगती है। ज़ेनियाडीज़ ने भी उसे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रख लिया और फिर डायोजनीज अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी के परिवार के साथ, एक गुलाम की तरह नहीं, एक परिवार के हिस्से की तरह बिताता है। उसके मरने का किस्सा भी सारी ज़िंदगी की तरह ओ जी है। कहते हैं एक दिन उसने मरने का सोचा और खुद ही अपनी सांस रोककर मर गया। कुछ कहते हैं वो इन्फेक्टेड कुत्ते के काटने से मरा, कुछ कहानियों के हिसाब से जिंदा ऑक्टोपस खाने से। लोग चाहते हैं एक से एक चीज़ें हों उनके मरने पर, बाजार बंद हो जाए, लाखों लोग देखने आए, करोड़ों लोग याद करें। किसी ने डायोजनीज से पूछा कि उसके मरने पर क्या किया जाना चाहिए। वो कहता, जब मैं मरूं तो शहर के बाहर डाल देना जंगली जानवरों के खाने के लिए। लोगों ने जब इस बात का एतराज़ किया तो बोला, एक छड़ी पकड़ा देना ताकि मैं उन्हें भगा सकूं। लोग बोले कि जब तुझे होश ही नहीं होगा तो कैसे भगाएगा? तो बोला, जब मुझे होश ही नहीं होगा तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं कि मेरे साथ मरने के बाद क्या किया जाना चाहिए। जब लोग उससे पूछते कि उसे ज़िंदगी से इतनी नफरत क्यों है तो कहता, उसे ज़िंदगी से नहीं पर लोगों के ज़िंदगी जीने के अंदाज से नफरत है। लोगों के बारे में अच्छी राय ना रखने के बावजूद ऐसा नहीं था कि वो उससे नफरत करते थे। एक बार एक बच्चे ने वो टब तोड़ दिया जिसमें डायोजनीज रहा करता था, तो शहर के लोगों ने उस लड़के की पिटाई कर दी। वैसे डायोजनीज को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था उसके रहने की जगह टूटने से। सिनिसिज्म का असली मतलब आज के इस्तेमाल से काफ़ी अलग है। आजकल ये बस किसी को लालची, मक्कार समझना या चीज़ों में कमियाँ ढूंढने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिनिसिज्म की फ़िलासफ़ी इससे अलग है। सिनिक्स के हिसाब से ज़िंदगी जीने के दो मकसद हैं, यूडाइमोनिया और मेंटल क्लैरिटी। पहला यूडाइमोनिया यानी हैप्पीनेस, ये पाने के लिए नेचर के हिसाब से जीना चाहिए। हम खुश रह सकते हैं बिना उन चीज़ों के जिसे सोसाइटी खुश रहने के लिए ज़रूरी समझती है, जैसे पैसा, पावर, शोहरत। इसकी जगह हम बिना साजो सामान के एक सादी ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए। एथेंस में बाजार के बीचों बीच डायोजनीज बिना कपड़ों के एक बड़े से टब में रहा करता था। उसके पास सामान के नाम पर सिर्फ एक कटोरा था, वो भी उसने जब एक बच्चे को सीधा गड्ढे में से पानी पीता हुआ देखा तो फेंक दिया। उसे शर्म आई कि वो कितना मटेरियलिस्टिक हो गया था। कम ऑन डायोजनीज, मेरे घर आओ। मेरी मम्मी जो डिलीवरी वाले प्लास्टिक के डब्बे आते हैं उनको भी नहीं फेंकती। जिंदगी का दूसरा मकसद है मेंटल क्लैरिटी। सिनिक्स के हिसाब से मेंटल क्लैरिटी एक तपस्वी की तरह जीकर ही आ सकती है, जानबूझकर कड़ा जीवन जीना। एक सिनिक अपने पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रखता और सोसाइटी के रीति रिवाजों को बेशर्मी से चुनौती देता है। डायोजनीज अक्सर पब्लिक में मैस्टरबेट करता नजर आता। जब उससे किसी ने पूछा इस बारे में तो बोला, अगर भूख भी पेट सहलाकर खत्म करने जितनी आसान होती तो क्या बात थी। हम डायोजनीज से सीख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं जो बात हर कोई मानता हो सही हो। हर चीज़ पर सवाल करना चाहिए और सबसे ज़रूरी कि खुश रहने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। पैसा कमाना, सामान खरीदना अपने आप में बुरा नहीं है, मगर अगर हमारी खुशी सिर्फ उसी पर निर्भर करने लगे कि हमारे बैंक अकाउंट में एक के आगे कितने ज़ीरो लगी हैं या घर में कितनी मंजिल हैं, तो गड़बड़ है। पावर और फेम के साथ फ्रीडम आनी चाहिए, पर आयरनी यही है कि ये चीज़ें हमें और ज़्यादा बांध देती हैं आज़ाद करने की जगह। जैसा कि मेरी फेवरेट फिल्म फाइट क्लब में टाइलर डर्डन कहता है, जो चीज़ें हमारी गुलाम होती हैं हमें गुलाम बना देती हैं। जब तुम सब कुछ खो देते हो तब आज़ाद होते हो कुछ भी करने के लिए। मैं इसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2019 से सेम टी शर्ट पहनता आ रहा हूँ और अगली वीडियो इसी पर आने वाली है। अगर ये कहानी पसंद आई तो कमेंट करो, ये चैनल चलता रहे इसके लिए सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाकी मिलते हैं हंसिया। क्योंकि बचे हैं थोड़े दिन और गुजारने हैं, थोड़े दिन और संवारने हैं, थोड़े दिन बस इस करार में कि बचे हैं थोड़े दिन